मस्ते ये कैसे आप सब लोग बिल्कुल सक्सेस स्टोरी है इन्होंने ना नाम मेंशन किया नहीं है मतलब मैं इनका नाम शेयर करूं या नहीं करूं ऐसा इन्होंने कहीं नहीं लिखा है लेकिन इन्होंने डायरेक्टली सक्सेस स्टोरी लिखी है हाई शाम्भवी मैंने आपको कब से फॉलो किया हुआ है और आज मेरी बहुत अच्छी सी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी शादी में मुझे पायल गिफ्ट हुई थी और वो पायल मेरी फेवरेट पायल थी और इतनी ज़्यादा फेवरेट थी कि मैं हर वक्त डरी रहती थी कि कहीं ये खो ना जाए और और अगर ये खो गई तो मैंने बहुत मिस करूंगी। मेरे पास अपनी पायल की ढेरों ऐसी फ़ोटोग्राफ्स भी थी जो मेरे डेस्पेरेशन को शो करती थी और जिन्होंने मेरे अंदर डर बैठा दिया था हालांकि वो बिल्कुल ही सिंपल सी पायल है लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा डर था उनको लेकर के कि कहीं ये खो गई तो मुझे कैसा लगेगा और वही हुआ मेरी पायल खो गई और मैं इतना रोई जैसे कि मेरा डर जो था वो सच हो गया और उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं विजुअलाइज़ करती हूँ अफर्म करती हूँ आपको तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर ही रही थी मैं ये भी जानती थी कि ये हो सकता है मुझे ऐसा नहीं करना है पर फिर भी मेरे माइंड में फिर भी आ जाता था मैं इतनी ज़्यादा उस चीज़ के साथ में जुड़ी हुई थी और जब वो खोई तो मैं ऐसे रो रही थी जैसे कोई इस दुनिया से ही चला गया हो जैसे मेरा सब कुछ लुट गया हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो मुझे दूसरी बनवा करके दे देंगे मुझे इतना रोने की ज़रूरत नहीं है मैं बीमार तक हो गई थी उसको सोच सोच करके अब इसके बाद भी मैंने अफर्म करना शुरू किया मेरी पायल मुझे मिल गई है और उसके बाद मैं विजुलाइज़ भी करने लगी कि सडनली मुझे मेरी पायल मिल गई है और बस वही हुआ कुछ दिनों के बाद में अचानक मुझे मेरे एक कपड़े के नीचे ही पायल मिली मैंने जबकि पूरी अलमारी चेक कर ली थी अपने सारे बॉक्सेस को चेक कर लिया था जहाँ वो अक्सर रहती थी वहाँ पर भी चेक कर लिया था मैं उसे डर के मारे पहनती भी नहीं थी इसलिए मैं हमेशा अंदर ही रखती थी अब मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं उसको किसी ऐसी वैसी जगह रख दूंगी लेकिन वो किसी ऐसी वैसी जगह मुझे एक लाइफ का बहुत बड़ा मैसेज सिखाने के लिए गई थी कि मुझे किसी भी चीज़ से इतना भी मोह नहीं करना चाहिए और उसके जाने पर इतना ज़्यादा दुख भी नहीं करना चाहिए यहीं से मुझे आपकी कही हुई भगवद गीता की बात भी याद आई और उसके बाद से मैंने लगातार भगवद गीता पढ़नी शुरू की मैं जिस फाइल को नहीं पहनती थी अब मैं उस फाइल को पहने पहने घूमती रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है और अब मैं सही मायने में उस फाइल को इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसे पहना है और अपने अंदर से उसको खो देने का डर पूरी तरह से निकाल दिया है एफ एंड विजुअलाइजेशन के बाद ही मेरा यह डर अपने आप ही निकल गया था उसको खो देने का और उसको पा लेने का अपने आप जैसे ही वो मेरी नज़र के सामने आई तो मुझे याद आया एक दिन मैं बहुत सारे पुराने चादर और कपड़े धो करके लेके आई थी और उसको तह करके रख रही थी उसी बीच में उस पायल को देख करके डिब्बी में शायद डालना भूल गई और वो उन्हीं चादर कपड़े और मेरे एक दुपट्टे के नीचे रह गई फाइनली वो मुझे एक झटके से मिल गई अगर वो उस वक्त मुझे ना मिलती तो शायद उसके खोने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते क्योंकि वो ऐसे कपड़ों के बीच में रखी हुई थी जो यूज़ ही नहीं होते हैं और उस बीच में मेरी एक ऐसी चुन्नी का चला जाना जो चुन्नी मैं अक्सर ही यूज़ करती हूँ और वो गलती से तह हो करके चली गई और वो नीचे की तरफ खिसक गई इतनी बड़ी इतने मोटे साइज़ की पायल अचानक ऐसे चली गई ये मेरे लिए अपने आप यूनिवर्स ने किया था ताकि मैं इतना जुड़ाव कम करूं और उस पायल को पहन करके पूरी तरह से जी तो लूँ यही तो आप सिखाते हो और इस बात का मतलब मुझे अब समझ आया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच राम भभी आपने एक छोटी सी बात से मुझे बहुत बड़ी चीज़ सिखा दी यूनिवर्स ने इस घटना से मुझे बहुत बड़ी चीज़ सिखा दी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस तो इसी तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिंदगी की सीखती हूँ uh, मेरे साथ सेम ऐसी ही एक घटना घटी थी uh, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे दो एक तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है वो आई एम अ मग लवर मेरे पास बहुत सारे मग हैं मुझे मग्स बहुत पसंद आते हैं तो एक तो वो ये लेके आए थे और एक और वो मग लेके आए थे वो मग मैंने यूज़ भी नहीं किया आते ही जैकी जस्ट आया ही था घर में तो उसने वो जैसे पैकेट खींचा और वो डाइनिंग टेबल से नीचे गिरा और चकना चूर हो गया वो मग आई क्राइड लाइक एनी थिंग सीरियसली मुझे ऐसा लगा लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैं क्यों रो रही हूँ एक मग के लिए मुझे नहीं रोना जरूरी इसने मुझे कोई मैसेज दिया है एंड ट्रस्ट में यकीन मानिए मेरे पास अभी भी वो मगमहा रखा हुआ है मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, मैंने उसको पूरे को जोड़ा चिपकाया और मैं समझ गई कि मुझे नहीं रोना है इतना मोह ना किसी के आने का होना चाहिए ना किसी के जाने का होना चाहिए इस लेवल पे नहीं होना चाहिए कि मैं खुद को तोड़ दूँ मैं खुद को इस तरीके से कर दूं कि ओ माय गॉड अब उस चीज के बिना मेरा जीवन ही नहीं चलेगा तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझसे कि ऐसे तो मैं तुम तो दस मग ला करके दे दूंगा हजार मग ला करके दे दूंगा अननेसेसरी इस चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ट्रस्ट मी मुझे इस चीज से बिल्कुल इनकी पायल वाली चीज का ही एक मैसेज मिला मुझे लगा कि यस हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और मैंने ये करना बिल्कुल बंद कर दिया मतलब मैं ऐसी मग वाली हूं ना कि अगर जो मेरे फेवरेट ऐसे डिज़ाइनर जो मग होते हैं जैसे ये डिज़ाइनर मग है तो ये जो मग्स होते हैं ना मैं यूज़ नहीं करती थी सिर्फ इसलिए कि ये टूट ना जाए और हमेशा मैं मग अब तो खैर मुझे इतनी आदत हो है कि मग्स मैं हमेशा अपने हाथ से वो भी डबल बार धोती हूँ हैबिट है मुझे आप ये कह सकते हो मुझे बहुत आदत है इस चीज़ की तो मेरे मग्स को मैं बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हूँ तो इससे ये भी समझ में आता है इससे ज़िंदगी को फिर मैंने जोड़ करके देखा कि यार इसी जिंदगी को मुझे उस लेवल पर जीना चाहिए मुझे हर डिजाइनर मग को एंजॉय करना चाहिए मुझे उसे यूज करना चाहिए वो यूज करने के लिए बना हुआ है और मुझे ये जीवन जीने के लिए मिला हुआ है और इस जीवन में ही तो मैं उस मग का इस्तेमाल कर सकती हूँ अब यहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को लगा दीजिए अपने रिश्तों को लगा दीजिए अपनी चीजों को लगा दीजिए अपने काम को अपनी जॉब को अपने पैसे को अपने घर को ये सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं ये जीवन जीने के लिए उन चीजों को इंजॉय करने के लिए ना कि उन चीजों से चिपक करके डर बैठा लेने के लिए मुंह लगा करके परेशान होने के लिए अगर हमने वो पल भी नहीं जिए तो वो तो खत्म जैसे उन उनकी पायल खो गई तो अगर वो खो गई तो वो पल तो खत्म जिसे मैंने एक्चुअली जिया ही नहीं पहना ही नहीं तो अगर ये मग टूट गया तो ये मुंह तो खत्म सब खत्म मैंने उसे जिया ही नहीं मैंने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया एक रिश्ता खत्म हो गया तो खत्म मैं जब तक वो था तब तक उसको किस किस लेवल का इन्जॉय किया एन्जॉयमेंट को सिर्फ एक खुशी के साथ जोड़ दिया या फिर सीरियस लेवल पे प्रेजेंट में रह करके इन्जॉय किया तो जब हम किसी चीज़ को जी लेते हैं इन्जॉय कर लेते हैं तो वो लेवल का मोह वो लेवल का अटैचमेंट वो सारी चीज़ें खत्म हो करके हम एक बैलेंस्ड ब्यूटिफुल हैप्पीनेस वाली लाइफ में आते हैं और एक्चुअली वो लाइफ है तो इनके साथ भी वही हुआ है इनको भी बहुत बड़ा मैसेज मिला है और इनके मैसेज से भी मुझे मैसेज मिला है कि हम लोगों को चीज़ें संभाल संभाल के सिर्फ इसलिए रखनी नहीं चाहिए कि हम उसका यूज़ ही ना करें चाहे वो रिश्ता हो घर हो कुछ भी हो हमें ये देखना है कि वो मिली ही चीज़ वो रिश्ता वो खुशियाँ वो घर उस चीज़ को भरपूरता से जीने के लिए है ना कि उसको एक कोने में संभाल देने के लिए और डर लगा करके बैठे रहने से खो जाएगा तो ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं टूट गया तो तो मेरा क्या होगा मेरी तो सारी खुशियां छिन जाएंगी अभी जो प्रेजेंट में आपको खुशी मिल रही है उसे कौन जिएगा अब वो खुशी ऐसी नहीं होनी चाहिए उसके पीछे डर ही होता है ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये तो नहीं हो रहा वो तो नहीं हो रहा हाय ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में हाय वो कैसे हो गया चीजें खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है जब हम उसे जीते हैं तो वो ज्यादा रहती है हमारे पास में ट्रस्ट मी एकदम हंड्रेड परसेंट सच्चाई के साथ यकीनन ये बात बोल रही हूँ जिन चीजों को हम यूज करते हैं पहनते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं वो चीजें बनी रहती हैं वो कम टूटती फूटती हैं हम जितना डर बिठा के बैठे होते हैं ना उससे कम ही उसका नुकसान हो रहा होता है मेरा कोई एक सिंगल मग नहीं टूटता है जब मैं उसे धो रही होती हूं या मैं उसको डबल क्लीनिंग भी कर रही होती हूँ नहीं टूटता है थोड़ा रफ भी हो जाता है थोड़ा बहुत तो भी नहीं टूटता है क्योंकि हैबिट हो गई आदत हो गई उसके साथ जीने की अब उस चीज को इंजॉय करने की अब उसको संभाल के रख दिया तो पक्का झटके से कहीं ना कहीं गिर सका और टूट सका क्योंकि मेरे उसको संभालने के पीछे डर है तो ये थोड़ी कमियां होती है हमारे अंदर हमें लगता है कि हमारे अंदर ये प्रोटेक्शन की भावना है बेसिकली ये स्पॉइल करने की भावना है हमारे अंदर कुछ स्पॉइल हो रहा है और वो उस चीज को स्पॉइल कर देगा वो डर निकल के आ जाएगा इसीलिए ज्यादातर बार हम नेगेटिव चीजें जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं डर जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें वो बातें कि हम सोचते हैं हाँ ये तो मैंने सोचा था मुझे तो पता ही था मुझे लग ही रहा था और इसीलिए होता है मैंने करना बंद कर दिया हर चीज पे करना बंद कर दिया अगर मुझे लगता है ना कि यार ये पार्टी वियर ड्रेस है ये पार्टी वियर बैंगल है पांच साल बाद पहनूंगी अरे छोड़ो यार पहनो ओढ़ो इंजॉय करो क्यों पांच साल बाद क्यों किसी की शादी आएगी तब ही करें? तब तब तब, तब, तब देखेंगे कर लेंगे कुछ ना कुछ हो जाता है ना कुछ ना कुछ जुगाड़ <laughs> झुकाड़ ही होता है कर लेते हैं हम लोग सब कुछ पर वही है वो आदतें हमारी वो डर वाली आदतें वो कन्फ्यूजन वाली आदतें वो हमें ना बड़ा दबा हुआ सा इंसान बना देती हैं ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है तो ऐसी बातों से ऐसी चीज़ों से सीखना चाहिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर कि आपने इस चीज़ से सीखा है अब आप उसे पहनते हो ये मुझे भी सुन के ज़्यादा खुशी दे रहा है क्योंकि मैं भी अपनी कबड्ड में से चीज़ें निकालती रहती हूँ पहनती रहती हूँ मेरे पास पुराना हो नया हो आप मेरे जितने कपड़े देखते हो मैक्सिमम ज़्यादातर कपड़े मेरे बहुत ही पुराने पुराने कपड़े हैं मैं अपने पुराने नए पुरानी नई पुरानी नई मिक्स मैच ये रख दिया वो रखने पर ज़्यादा विश्वास ही नहीं करना छोड़ो यार जो आए पहनो तो ठीक है बस ये है इसी तरीके से आप चीज़ें देखिए इंसान देखिए घर देखिए वो संभली हुई चीज़ें देखिए जो संभला वो संभला ही रह गया क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ को लेकर के डर एक स्पेशल ओकेजन अगर मैं अभी नहीं बना सकती उस स्पेशल ओकेजन को तो वो कभी नहीं बन सकता यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तो अच्छी स्टोरी थी डीप हमें मैसेज देखी गई है